फ्रेंड्स हमारे पास आ चुके हैं अप्रैल 457 और इसके अंदर जो हम वर्क करेंगे वो सारा करेंगे टॉप नोट वर्क, जो जो इसके अंदर होता है वो सारा काम करेंगे इसके अंदर। और ये बिल्कुल न्यू ब्रांड, देखो अभी ना तो नंबर आया, टीका भी लगा हुआ अभी, और इसकी हमने खोल दी, इसकी फेयरिंग देख सकते हो पूरी फेयरिंग खुल चुकी है। इसमें लगेंगे स्लाइडर, वो प्रॉपर फिटिंग वाले, नॉर्मली जो लोग लगा रहे हैं वो सिंगल फिटिंग वाले, हम लगाएंगे इसमें डबल फिटिंग वाले। अभी जब आता है लगाते हैं इसके अंदर, पहले फिटमेंट सब चेक कराएंगे आपको, और एक बार लुक चेक कर लो फिलहाल का क्या है। सिंपल सोवर है जैसी आई थी शोरूम से वैसी है यहाँ पर, और भी इसके अंदर सामान लोड करते हैं, लोड करने के बाद आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या लगाते हैं। वैसे इसके अंदर लीवर गार्ड लगेगा, रेडिएटर गार्ड लगेगा, केसिंग स्लाइडर, फॉक्स स्लाइडर, मोबाइल होल्डर और बहुत सारी चीज़ जो जो इसके अंदर होगी वो सारा करेंगे इसका मॉडिफाइड। और सर आप कहाँ से आए अभी? आप नारायण से। नारायण से तो आप रेफरेंस आए हो सर? वीडियो देखकर ऐसी वीडियो देख के आया था। वीडियो क्या क्या अच्छा लगा वीडियो हमारे? सब कुछ मोस्टली मेरे को बीएमडब्ल्यू का साथ जो मॉडिफाई किया था वो अच्छा लगा था। फिर मेरे को एपिला का वीडियो देखी, बीएमडब्ल्यू कम से कम 100-200 बार वीडियो देखी थी तो चलो अभी यहाँ पे लेकर आया। अभी ट्रस्ट है मतलब 100%। चलो जी भैया का जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट पे खड़े उतरेंगे हम, ऐसा आप सबको पता ही है। बट क्या होता है कभी कभी होता है ना माइंड में थोड़ा बहुत होता है, बट वो भी क्लियर कर देंगे अभी काम करने के बाद जब उसमें हो कंप्लीट। और आप भी देखना इसकी होगी सबसे अलग मॉडिफिकेशन जो कि आपको मिलने वाली है हमारे चैनल पर। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर दिखाया था कि इसके अंदर कुछ कुछ पार्ट्स लग रहे थे और खुली गाड़ी खोली थी, अब इसके अंदर हमने फिट कर दिया। सबसे पहले दिखाऊंगा ना आपको डबल फिटिंग वाली केसिंग जो कि आपको बहुत ही रेयर मिलेगी। देखिए ये देखिए ये आपको मिलते हैं केसिंग जो कि मिलते हैं आपको ड्यूल फिटमेंट के साथ देख सकते हो आप। और इस पे स्लाइडर जो होगा ना वो काफी ज्यादा इसका होल्ड कर सकते हैं पूरी गाड़ी का वेट, क्योंकि जब भी आपकी बाइक गिरती है ना गिरने के बाद क्या होता है अगर पत्ती हल्की होगी तो वेट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये नई पत्ती है जो हमने बनवाई है, लुक चेक कर लो इसकी किस तरीके, पहले हम लगाते थे दूसरी लगाते थे बट अभी प्रॉपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसमें बहुत सारी चीजें जैसे कि लीवर हो गया, लीवर गार्ड्स हो गए, इधर आपको फॉग लैंप होगी, शॉक प्रोटेक्शन, फॉक्स स्लाइडर, हॉर्न वगैरह और भी बहुत सारी इसमें लैमिनेशन वगैरह हो गया, टैंक पैड, थाई पैड, बहुत सारी चीजें इसके अंदर अभी लगनी बाकी है। एक बार ना पहले कंप्लीट कर लेते हैं इसको, और कंप्लीट करके फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसकी फिटमेंट हुई है, और फिर आपको देखेंगे देखने को मिलेगा कि इसके अंदर हमने क्या क्या न्यू वर्क किया है। तो करते हैं कंप्लीट गाड़ी को फिर आपको दिखाना पूरी गाड़ी। दिखाया था स्टार्टिंग के अंदर कि अपने आप हमारे पास आई थी बिल्कुल न्यू नवेली अप्रैलिया 457, और इसके अंदर जो जो मैंने किया वो थोड़ा बहुत मैंने आपको एक्सप्लेन स्टार्टिंग में किया था कि हम इसमें क्या लगा रहे हैं क्या नहीं लगा रहे हैं। अब मैं दिखाता हूँ इसके अंदर ऑल अबाउट कंप्लीटेड बाइक्स, क्योंकि ये मेरे हिसाब से दुनिया की मोस्ट लोडेड कहूँगा तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने ऐसा कुछ नहीं है जो ना किया हो, बस सिर्फ टॉप रैक और सैडल स्टोज की क्योंकि नीड बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैंने बोले बाकी सब कुछ के अंदर लग चुका है ए टू जेड वन टूर। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ना ये इसका फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो आएगा इसका फुल सिस्टम एग्जॉस्ट का जो कि नेक्स्ट मंथ भैया फर्स्ट सर्विस के बाद हमसे कराने वाले हैं। तो पहले बता दूँ इसके अंदर हमने आज क्या क्या किया है। देखिए सबसे पहले दिखाऊंगा इसके अंदर डबल बबल वाइजर जो कि इंडोनेशियन वाइजर है, जैसे आपने देखा होगा प्यूक वगैरह का वही वाइजर हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया, जिससे लुक में आ जाते हैं चार चांद, मतलब ऐसा लुक निकल कर आ रहा है इसके अंदर कि ये एक तो सुपर बाइक है भी और सुपर बाइक का पूरा फील देगी अभी ये फ्रंट के से देख सकते हैं। और साथ में ना इसके अंदर लगा दिए गए हैं ये वाले H2 वाले मिरर, ये हैं आपके H2 वाले मिरर जो कि कार्बन डिप के अंदर आते हैं आपके, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल करने जिससे लुक और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाती है और ऐसा देखने में लगेगा नहीं कि H2 का छोटा भाई जा रहा है निकल कर, ये पूरा फील होगा, ये मेरी गारंटी है। और आप लोग मुझे कमेंट कर जरूर बताना कि कैसी लगी। देखिए जैसे मर्जी इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, चाहे नीचे कर रहे नीचे कर लो, ऊपर करना ऊपर कर लो, अपने अकॉर्डिंग इसको आप सेट कर सकते हो जैसे आप चाहो। और सच बताऊँ तो ये विंग्स मिरर ना काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लग रहे हैं इसके अंदर लगने के बाद। और बात करी जाए इसके बाद आगे इधर आई दोबारा से कोई बात नहीं, ये तो आपने देख ही लिया। नीचे एक चीज़ और दिखाई, देखिए अप्रैलिया इसमें क्या किया भैया ने, यहाँ भी ग्राफिक करवा दी गई है इसके अंदर जो कि आपको ओरिजिनल के अंदर भी आते हैं ऐसे ग्राफिक्स वगैरह, वो सेम इसके अंदर करा दें। और उसके बाद आते हैं नीचे, तो नीचे मिलेंगे इसके अंदर शॉकर प्रोटेक्शन और फॉक्स स्लाइडर। ये शॉकर प्रोटेक्शन और फॉक्स स्लाइडर वैसे तो आप सभी को पता ही है कि इसका जो यूज़ होता है आपका शॉकर सेफ होता है और आपका मडगार्ड सेफ होता है। शॉकर सेफ इसलिए क्योंकि इसके होते हैं USG शॉकर, और USG शॉकर अगर जो मे भी हल्का सा कुछ इस पर लग जाए ना, स्क्रैच भी लग जाता है जरा सा इसके अंदर, तो आपके पूरे के पूरे शॉकर डैमेज हो जाते हैं। और ये शॉकर वगैरह इतनी जल्दी इजीली नहीं मिलते मार्केट के अंदर ना ही शोरूम के अंदर, तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आपको इसके लिए। इसके अंदर अगर शॉकर प्रोटेक्शन नीचे लगा दिया गया इसके अंदर फॉक्स स्लाइडर, जिससे आपका ABS प्लेट और डिस्प्लेट ये होते हैं पूरी तरीके से सेफ। और गाड़ी का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो दिया गया इसका ब्लैक एंड रेड का,
तो ब्लैक एंड रेड आपका इस तरफ देखना लुक इनहेंस करने के लिए, साथ में सेफ्टी सेम इधर, और साथ में इसमें लगा दीजिएगा फॉग लैंप जो कि मिलते हैं आपको मिनी ड्राइव, ये इसके अंदर इंस्टॉल कर दिएगा। मिनी ड्राइव पे वो रोशनी दिखाया था किस तरीके आती है इसके अंदर लगने, देखिए ये आपका ऑन हो गया इसका येलो ऐसे दिख रहा है, ये आपका हो गया वाइट, येलो वाइट, तो ये आपका मिलता है इसके अंदर ड्यूल टोन इसके अंदर रोशनी, और काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी होने वाली है इसकी जब नाइट में चलेंगे ना भैया, तो क्योंकि इसके अंदर हेडलाइट जो है ना इतनी कुछ खास नहीं होती है जितनी भी LED लाइट होती हैं उसके अंदर, जरूरी नहीं ये वाली बाइक किसी बाइक के अंदर किसी भी स्कूटी के अंदर फॉग लैंप की नीड ज़्यादातर होती ही होती है। और उसके बाद बात करते हैं ऊपर से, तो देख सकते हैं इसके अंदर लगा दिए गए हैं ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के इसके अंदर लगे हुए हैं आपके लीवर गार्ड, जिससे आपका लीवर भी सेफ होंगे और आपके हैंड भी होते हैं पूरी तरीके से प्रोटेक्ट, क्योंकि ये है प्रीमियम क्वालिटी के। और इसके बाद आपको देखने मिलेंगे इसके अंदर ये लीवर जो कि आपको मिल जाते हैं इसके अंदर एडजस्टिंग प्लस फोल्डिंग वाले, एडजस्टिंग वो इसलिए क्योंकि देख सकते हो फिंगर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, इधर आइए देखो नंबर ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये अपने फिंगर के अकॉर्डिंग इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो। और ये देखिए इसमें फोल्डिंग सिस्टम भी है, ये भी इसके अंदर हो जाता है, और आप चाहते हो इसे लॉन्ग करना है शॉर्ट का तो रहिए, एक चीज़ और दिखाया था आपको, ये देखिए इसके अंदर एडजस्टिंग भी दी हुई है, जैसे आप ये एलिंग की है इसको लूज़ करने का, आप चाहो तो लीवर को एक्सटेंड भी कर सकते हो या इसको स्मॉल भी कर सकते हो, जैसे मर्जी आप अपने फिंगर के अकॉर्डिंग इसको भी एडजस्ट कर सकते हो। सेम इस तरफ सेम देखने मिलेगा आपको इस तरफ जो कि मिल जाता है आपको, और गाड़ी का जो कलर कॉम्बिनेशन मैंने बताया है ब्लैक एंड रेड का, तो वही टच इसके अंदर दिया गया है। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर बोबो का ओरिजिनल मोबाइल होल्डर, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल्ड कर दिया गया। इसे इंस्टॉल करने का जो मोटिव होता है कि कभी भी राइड पे जाना, छोटी हो बड़ी हो, आपको मैप के लिए लगाना हो, टाइमिंग लगाना, कॉलिंग लगाना, कुछ भी फ़ोन लगा, तो कोई भी फ़ोन इसके अंदर आप इजीली लगा सकते हो। और इसके अंदर आपको साथ में मिलती है डाटा केबल, देखिए ये डाटा केबल भी आपको इसके अंदर साथ में मिलती है जो कि मिलती है आपको बोबो की ओरिजिनल, देखिए ये भी मिलती है इसके साथ में, और इसकी होती है आपकी पूरी एक साल की गारंटी। और बात की जाए तो आपकी इसके डाटा केबल की, तो इसके बताए दूँ इसके अंदर आपको एप्पल की मिल जाती है, वैसे तो एप्पल अब सी टाइप आ चुका है लेकिन जिनका पुराना वाला है उनके लिए एप्पल की मिल जाती है, इसके अंदर सी टाइप भी है और इसके अंदर आपकी ओल्ड वी वाली भी है, तो सारे के सारे डाटा केबल्स आपको एक ही के अंदर मिल जाते हैं सिर्फ और सिर्फ फ़ोन परचेज फ़ोन होल्डर परचेज करने पर ही। और इसकी जो चार्जिंग स्लॉट है देख सकते हो, ये आपका 3.0 फास्ट चार्जिंग USB का मिल जाता है आपको इसके अंदर, जिससे आपका फ़ोन भी जो होगा वो होगा फास्ट चार्जिंग, और साउंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, और मोबाइल होल्ड करके कहीं भी इजी राइड कर सकते हो। साथ में इसके अंदर लगा देगा स्क्रीन गार्ड जो कि आप देख सकते हो, ये अभी आपको नहीं जज हो रहा होगा बट इसके अंदर स्क्रीन गार्ड भी हमने लगाया है जिससे कि इसके अंदर स्क्रैचेस वगैरह ना आए इसकी TFT पर। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर जो कि अभी जो मैंने लगाया फर्स्ट लगाए इसके अंदर स्लाइडर, केसिंग स्लाइडर ड्यूल फिटिंग वाले, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर दिखाया भी था कि ड्यूल फिटमेंट वाले इसके अंदर केसिंग स्लाइडर लगाए हैं हमने, देख सकते हैं ये प्रॉपर फिटमेंट है जो कि आपको एक फिटिंग इस तरफ थी एक फिटिंग अंदर की तरफ है, तो दोनों फिटमेंट अंदर की तरफ है। गाड़ी का कलर कॉम्बिनेशन मैंने बताया कि ब्लैक एंड रेड, तो वही कंट्रास्ट इसमें दिया गया है ब्लैक एंड रेड का, और ये काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के जो इसके अंदर हमने इंस्टॉल किया, ये प्रॉपर फिटिंग कोई जुगाड़ नहीं है इसके अंदर, सिंपली इजी टू फिटेड है। मे बी अगर आपकी बाइक गिरती है ना तो गिरने के बाद क्या होता है आपकी बाइक में ज़रा सा भी स्क्रैच नहीं आता है और आपके थोड़ा पैर भी बच ही जाते हैं इसके अंदर, गाड़ी जब गिरेगी तो समझ रहे हो कि पूरी चिपकेगी नहीं ज़मीन से, तो आपका पैर भी इससे बच जाता है। सेम इस तरफ सेम देखने मिलेगा आपको, इस तरफ लुक चेक कर लो किस तरीके की आती है इसके लगने के बाद। और इसके बाद इसके अंदर रेडिएटर गार्ड वो भी हमने लगाया कुछ इस तरीके, देखिए ये देखिए रेडिएटर गार्ड भी कुछ इस तरीके के इसमें इंस्टॉल कर, जो स्टेनलेस स्टील का है ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया। इसे लगाने से क्या होता है आपका जो रेडिएटर होता है वो हो जाता है पूरी तरीके से सेफ, क्योंकि जब भी आप राइड करते हो क्या होता है इसमें पत्थर वगैरह कुछ भी आके लगता है ना रेडिएटर के अंदर, तो रेडिएटर डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उस केस में इसमें लगा रेडिएटर अप्रीलिया 457 की ब्रांडिंग की इसमें लगा दी गई हमने रेडिएटर गार्ड। और उसके बाद बात करते हैं एक और यूनिक चीज़ की, क्योंकि इसके अंदर ना काफ़ी सारे काम ऐसे हैं जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम हुए हैं और मेरे हिसाब से इंडिया फर्स्ट कहूँगा तो ये भी कुछ गलत नहीं होगा। जैसे कि दिखाता हूँ आपको, चाबी ऑन करते हैं और इसके अंदर हम दिखाते हैं आपको हैज़ार्ड, ये देख रहे हैं आप हैज़ार्ड पैटर्न इसके अंदर मिल जाते हैं आपको, जो कि मिलते हैं 20 to 30 पैटर्न इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, जितनी बार मैं बटन पुश करूँगा उतनी बार इसके पैटर्न्स हो जाते हैं चेंज। और ये इंडिया फर्स्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके कनेक्शन ना बहुत ही इजी नहीं है, बहुत ही टफ कनेक्शन है जो कि सिर्फ अपने पास है, तो अपने पास क्या है प्रोफेशनल बंदे, प्रोफेशनल मैं खुद भी आपको बताए कि मैं खुद भी इसी लाइन से जुड़ा हुआ हूँ 25 साल से, तो इसलिए इसके अंदर प्रॉपर फिटिंग कर दिए गए आपके हैज़ार्ड इधर भी, और सेम पीछे इंडिकेटर उसके अंदर भी वो हैज़ार्ड पैटर्न मिल जाता है आपको, देख सकते हो दोनों तरफ। और ये जब नाइट में चलती है तो काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट लुक निकल कर आती है इस सब को लगाने के बाद। और जब पीछे आएगा तो पीछे दिखा देते हैं एक बार, ये देखिए साथ में इसमें लगा दिया टायर अगर, ये देखिए टायर अगर है ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया। टायर अगर लगाने से जो डस्ट वगैरह आपकी आगे जाती है ना
उसको कंट्रोल भी करता है, प्लस कार्बन टच इसके अंदर आपको मिल जाता है। जैसे मैंने फ्रंट में दिखाया आपको विंग्स मिरर जो कि आपके S2R के थे, उसी तरीके से इसके अंदर जो ये कार्बन टच ये भी काफ़ी लुक को करता है इनहेंस, साथ में डस्ट भी करता है आपकी कंट्रोल। और उसके बाद बात करते पीछे तो देख सकते हो इसमें आपके लगा दिए गए ये आपके स्लाइडर्स जो कि दोनों तरफ हैं, जैसे फ्रंट में तो सिर्फ बैक में भी मिल जाते हैं। स्लाइडर से क्या होता है, एक तो आपकी बाइक सेफ भी हो जाती है क्योंकि कुछ भी इसके अंदर लगता नहीं है और इससे लुक काफ़ी ज़्यादा हो जाती है इनहेंस। और साथ में इसमें स्पूल्स भी लगा देंगे, देख सकते हैं जैसे कि पेडॉक वगैरह लगाना हो तो वो ईजी हो जाएगा पेडॉक भी लगाना, ये स्पूल्स भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। और उसके बाद बात करते हैं इसके टैंक पैड और थाइड पैड की, देखिए टैंक पैड भी इसके अंदर लगा दिया गया जो कि आप देख सकते हो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है जो कि इसमें लगा दिया, साथ में इजी ग्रिप के इसके अंदर लगा दिए गए थाई पैड जिससे आपका टैंक होता है पूरी तरीके से प्रोटेक्ट। लुक चेक करो किस तरीके से इसकी आती है लगने के बाद, और टैंक हो जाता है पूरी तरीके से सेफ। और साथ में टैंक में ना लेमिनेशन भी कर दी गई है जो कि आपको जज नहीं हो रही होगी, मैं बताया तो इसके अंदर देखो रेड आउटलाइनिंग, ये रेड आउटलाइनिंग वैसे आपको नहीं मिलेगी, ये सिर्फ हमारी वीडियोज़ में मिलेगी क्योंकि जब हम इसमें लेमिनेशन वगैरह करवाते हैं ना तो इसके साथ में ये बॉर्डरिंग भी करा देते हैं जिससे इसकी लुक को चार चांद लग जाते हैं और आपकी जो लेमिनेशन है वो भी यहाँ से हो जाती है पूरी तरीके से मजबूत। इसकी हो गया वीडियो कंप्लीट, अब मिलाते हैं भैया से जिन भैया के बाइक है उनको फाइनली कैसा लगा हमारे पास आकर और काम करा कर। तो आइए मिस्टर, वेलकम सर, कैसे हैं आप और ये बताए कहाँ से हैं और आपको कैसे पता लगा हमारे बारे में, काम कैसा लगा उसके बाद? काम तो भैया मतलब मुझे पता नहीं था कि आप इतना अच्छा, मतलब मुझे नहीं पता था कि लुक इतनी बेटर हो सकती है। एंड मैं नारायणा से आया हूँ और आपका चैनल मैं बहुत टाइम से देख रहा था, जब एक्चुअली मेरा प्लान था BMW लेने का G3 RR, तो वो बहुत कॉमन हो चुकी है 35। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसके बाद फिर मेरे को ये पीला कहीं बहुत अच्छी ना, और सच में ये जो लुक निकल के आई ना ये बहुत 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 बेटर है। सोचा था आपने? बिल्कुल भी नहीं, सकती नहीं, नहीं नहीं, ये एक तो ये शीशे और ये साइड लिबस वगैरह बहुत बेटर है। एंड दिस, ये तो इससे तो बहुत ही अच्छी, ये जो चीज़ है ना ये और पूरा ये मेरे को बहुत अच्छी थीम लग रही है इसके आगे। भैया ने क्या कहा था, भैया ने कहा वाइजर रहने दो, ज़्यादा वाइट मुझे नहीं करें। मैंने कहा भैया आप लगवाओ, लगने वाला लुक देखना, बंदे ना पागल हो तो मेरा नाम बता देना, और भैया खुद ही पागल हो गया। का लुक बताती है सही में यार। तो ऑल अबाउट सेटिस्फाइड है हमारे काम से, मोर देन सेटिस्फाइड। एंड हमारा जो शॉप का एटमोस्फेयर है उससे कैसे, उसका कैसे? आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मतलब इतने आप तो खुद तो नाचते रहते हो, सब को एंटरटेन करते रहते हो, और क्या चाहिए एक ओनर से। चलो जी, तो ऑल ओवर सेटिस्फाइड है, मोर देन सेटिस्फाइड। कोई और हमारा भाई बंधु आना चाहे ऑल इंडिया से, मैं तो ऑब्वियसली रिकमेंड करूंगा कि भैया इस पे आओ, इनसे काम कराओ। चलो जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू और विजिट अगेन, क्योंकि आपको लगाना है अभी एग्जॉस्ट फुल सिस्टम, उसके लिए इसका पार्ट 2 आएगा। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं, थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो आपने वीडियो आपने देख ली, वीडियो अगर देख लो तो प्लीज़ एक छोटा सा काम बोलो कर जरूर देना, मेरा एक छोटा चैनल है राजू भाई एस्केडियम, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपका भाई ना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो ब्लॉग लाता रहता है आप सभी के लिए, और ज़रूरी नहीं आपके लिए, आपके अप्रेली हो, आपके कोई सी बाइक हो, चाहे छोटी बाइक हो, चाहे बड़ी बाइक हो, चाहे सुपर बाइक हो, कोई सी बाइक हो, कोई सी स्कूटी हो, ला सकते हो आप अपने जो राजू भाई के शॉप पर। तो वीडियो चले चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर दो क्योंकि आपके लिए ऐसी वीडियो और ब्लॉग्स मैं लाता रहता हूँ, लाता रहूँगा। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय मत ध्यान, गुड नाइट।